नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जब भी हम नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्रेडिट कार्ड से संबंधित काफी सारे सवाल रहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमने पहले कभी सुने नहीं होते हैं, क्योंकि हम डेबिट कार्ड यूज करते आए हैं। तो हमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए टर्म्स से कभी पाला ही नहीं पड़ा, जैसे स्टेटमेंट क्या होता है, बिल ड्यू डेट क्या होती है। इसी तरह के अलग अलग सवाल होते हैं नए क्रेडिट कार्ड यूजर के दिमाग में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो अगर आप एक नए क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होता है। दोस्तों स्टेटमेंट जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड में पूरे महीने भर में खर्च करते हैं, जितना आपने खर्च किया या फिर आपने बीच में कोई पेमेंट किए, उन सबका उसमें हिसाब किताब रहता है, कितना आपने खर्च किया, कितना आपने पे किया, कितना आपका इंटरेस्ट लगा, उन सबको जुड़ के एक स्टेटमेंट आपका बनता है। वो हर महीने की एक निश्चित तारीख को बनता है। वो हर एक क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग हो सकती है। और क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट अगर आपने फिजिकली स्टेटमेंट के लिए बोला है तो हर महीने क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके घर पे उसको पोस्ट करेगी या फिर आपको मेल से भेज दिया जाएगा। आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड कंपनी के जो एप्लीकेशन होता है उसमें जाके भी चेक कर सकते। दूसरा सवाल है कि बिल डेट क्या होती है। दोस्तों जब भी जिस डेट को आपका स्टेटमेंट बन के आता है आपकी, वो बिल डेट होती है जिस तारीख को आपका बिल बनता है। स्टेटमेंट को दूसरे शब्दों में हम बिल भी बोल सकते हैं। तो बिल डेट वो डेट होती है जिस दिन आपका स्टेटमेंट बनता है और आपका बिल बनता है। तो आपको बिल डेट के बाद में थोड़ा टाइम मिलता है आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए, उसमें हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों तीसरा टर्म है कि ड्यू डेट क्या होती है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल तो बन जाता है किसी एक तारीख को, उसके बाद में हमको 20 दिन का टाइम मिलता है लगभग क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने के लिए। यानी कि एक महीने आपने पूरा खर्च किया, उसका बिल बना, उसके बाद आपको 20 दिन का टाइम मिलता है। यानी कि आपको टोटल 50 दिन मिलते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि जब बिल बनने से आपने कितने दिन पहले खरीदारी की है। जो ड्यू डेट होती है वो बिल बनने के 20 दिन लगभग बाद आती है। तो उस डेट को आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना अनिवार्य होता है, तो उस डेट को बोलते हैं ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट पे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे लेट चार्ज पेनल्टीज पड़ती हैं और साथ ही आपको पूरे महीने में जो आपने खर्च किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ जाता है। अब अगला टर्म है कि टोटल अमाउंट ड्यू क्या होता है। दोस्तों जितना हमने पूरे महीने में अपने क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया या फिर कोई ईएमआई चल रही है, उस ईएमआई है, उसका इंटरेस्ट है, जीएसटी है, जितना बन रहा है टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वो अमाउंट होता है आपका टोटल अमाउंट ड्यू। आपको हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू को ही पे करना होता है। दोस्तों इसका अगला टर्म है मिनिमम अमाउंट ड्यू। इसको मिनिमम पेमेंट ड्यू भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है। दोस्तों ये आपके टोटल अमाउंट ड्यू का ही एक हिस्सा होता है। ये 5 से लेकर 10% हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कार्ड कौन सा है। इसके अलावा आपके कार्ड में जो खर्चे आपके बिल में आए वो किस तरह के। ईएमआई वाले केस में कभी कभी आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू आपके टोटल अमाउंट ड्यू का एक हिस्सा होता है। आपके पास अगर किसी कंडीशन में पैसे नहीं है तो आप मिनिमम ड्यू अमाउंट को भर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने के फायदे क्या होते हैं मैंने आपको एक वीडियो बनाया है रिसेंटली, आप चेक कर लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने के नुकसान भी पता चल जाएंगे। फायदा बस इतना होता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने से आपको जो पेनल्टीज पड़ती है, लेट चार्ज पेनल्टीज पड़ती है, वो नहीं पड़ती है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भर रहे हैं। तो साथ में आपका सिविल स्कोर भी इसमें खराब होता है। दोस्तों अब छठवां और अगला टर्म है अनबिल्ड अमाउंट क्या होता है। अनबिल्ड अमाउंट जैसे इसका नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि जिसका अब तक बिल नहीं बना है। यानी कि मान लो कि आपका बिल बनता है महीने की 31 तारीख को और आज चल रही है 27 तारीख। तो मैंने इस महीने में जितना भी खर्च किया है और आज जो भी तारीख है, अब तक जो अमाउंट मैंने खर्च किया जिसका बिल नहीं बना है वो आपका अनबिल्ड अमाउंट होता है। जब आपका बिल बन जाएगा तो वो आपका टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगा और आपको उसको 20 दिन के बाद पे करना पड़ता है। दोस्तों आखिरी और अगला टर्म है कि टोटल आउटस्टैंडिंग क्या होती है। दोस्तों ये आपके क्रेडिट कार्ड की टोटल आउटस्टैंडिंग होती है। इसमें जो आपका बिल का टोटल अमाउंट ड्यू है और जो भी आपने खर्चे किए वो, या फिर आपने कोई सामान ईएमआई परचेस किया है वो जो इसकी किस्तें आपको आती हैं उसका टोटल अमाउंट को जोड़ के टोटल आउटस्टैंडिंग आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, वही ये टोटल आउटस्टैंडिंग होती है। आपको भरना अपना टोटल अमाउंट ड्यू ही है,
बाकी ये टर्म्स आपको पता होना इसलिए जरूरी है कि आप कहीं कोई और अमाउंट बढ़ते हैं जिसकी वजह से आपको पेनल्टीज पड़ जाए या फिर आपको इंटरेस्ट पड़ जाए। यही बेसिक जानकारी होती है क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप नए क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी समझने में क्रेडिट कार्ड के टर्म्स को। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।